आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने भूमिपुत्र चैनल में। कैसे हैं आप सभी? चलिए दोस्तों, आज हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसे भूमिपुत्र से मिलाने जिन्होंने अपनी छोटी सी खेती में तीन तीन क्रॉप लेके एक कमाई का बड़ा सा साधन खड़ा किया है और ये आज अपने एरिया में एक आइडल बन चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक किसान से और सुनते हैं उनके ही द्वारा उनके इस प्रयोग के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम जितेश नारायण धपके, मैं आजनी गांव का रहवासी हूँ, तहसील हमारी सावनेर है। मेरे क्वालिफिकेशन बी इंजीनियरिंग हुआ है और डिप्लोमा प्लस बी इंजीनियरिंग। मैं खेती करता हूँ। खेती में मैंने पहले संतरा लगाया हुआ था। मेरे पास 5 एकड़ खेत क्षेत्र है। वो जगह पे मैंने पहले संतरा लगाया। संतरे में मैंने पहले वर्ष पे मक्का और हरभरा लिया, तो उसमें मुझे कुछ प्रॉफिट मिला नहीं। प्रॉफिट न मिलने की वजह से मैंने उसमें फिर अपना सर्चिंग चालू रखा कि अपने इसमें क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या लगाए तो अपने को प्रॉफिट ज़्यादा आ सकता है। तो मुझे ऐसे ही सर्चिंग करते करते मुझे पेरू का दिखा, तो अमरुद का जैसे ही मुझे दिखा तो अमरुद का मैंने जाके पहले जगह पे देखा, अहमदनगर और जालना की तरफ मैंने इसके थोड़े प्लॉट देखे। प्लॉट देखने के बाद में मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और मैंने इसको लगाया। तो मेरे यहाँ पे जो 5 एकड़ के जो एरिया है इसमें मैंने संतरे के पेड़ है 900 और उसके बीच में मैंने अपने अमरुद के पेड़ लगाए हुए। अमरुद के मेरे 3000 पेड़ है। 3000 पेड़ का मुझे लगभग 40 रुपये के हिसाब से एक पेड़ मिला हुआ था। 1,25,000 तक का मेरे को खर्चा आया था, तो मैंने लगाया। तो उसमें अभी मुझे थोड़ा प्रॉफिट दिख रहा है और मेरे यहाँ पे एक ही साल में उसको फल आ चुके हैं। साल भर में फसल आने वाली पहली फसल मुझे दिख रही है, जो बागवानी फसल है, जो एक साल में चालू हो जाती है। खेती में अलग अलग प्रयोग करना इनकी एक ख्याति है और इसी के जरिए इन्होंने अपना ये नया प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें ये तीन फसलें एक साथ ले रहे हैं। तो कैसा है इनका ये प्रोजेक्ट, जान लेते हैं उन्हीं के द्वारा। तो इस 5 एकड़ क्षेत्र में मैंने इंटरक्रॉपिंग के हिसाब से फसल लगाया हुआ है। पहले मैंने जो संतरा लगाया, संतरा लगाने के बाद में अमरूद लगाया और इस वर्ष मैंने हल्दी लगाया। तो मेरी हल्दी थोड़ी लेट लगी हुई थी क्योंकि उसमें मेरे को बीजों का थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। तो लेट लगने की वजह से उसकी थोड़ी अभी ग्रोथ कम है, लेकिन ठीक ठाक है। लेकिन मुझे संतरा और जो मेरी मेन फसल है अमरूद, वो दोनों ने अच्छा साथ दिया हुआ है। ये अभी पेड़ देखिए, इस पेड़ पे कम से कम ये जो एक पेड़ एक जो फल है ये 400 या 500 ग्राम का है और ऐसे इस पे अभी कम से कम 20 या 25 फल अभी आ चुके हैं। अभी इसकी अभी तुड़ाई चालू है। तुड़ाई में इसको कम से कम अभी 7-8 किलो माल एक ही पेड़ पे है। तो इस हिसाब से अपन खेती करें तो थोड़ा अपने को भी प्रॉफिट होता है और अपने को इंटरेस्ट भी आता रहता है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अब तक कितना खर्चा आया है और अगर आप भी इसे अपनी खेती में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको कितना खर्चा आ सकता है, जानते हैं उन्हीं के द्वारा। मेरा इस 5 एकड़ क्षेत्र में मैंने 3000 जो पेड़ लगाए हुए हैं अमरुद के, वो 40 रुपये के हिसाब से मुझे पेड़ का कॉस्ट पड़ा था। उसके बाद में इसको मैंने अपना खाद इसकी पूरी डेवलपमेंट करने को मुझे कम से कम इसको 30-40 हज़ार रुपये एकड़ के हिसाब से पैसा इस अमरुद और संतरे को लगा हुआ है। इनकी इस बागवानी खेती को अभी तो सिर्फ 1.5-2 साल का ही समय गया है, फिर भी इन्होंने अपनी आमदनी का एक जरिया बना लिया है। तो चलिए हम जान लेते हैं उन्हीं के द्वारा कि इनको अब तक कितना प्रॉफिट हो रहा है और भविष्य में इनको कितना इससे मुनाफा मिलने वाला है। तो इसमें अभी अमरुद के पेड़ में अभी अमरुद जो लगे हुए हैं उसमें कोई अमरुद जैसे 500 ग्राम का है, 200 ग्राम का है, कोई 800 ग्राम का भी है। तो वो हिसाब से इसका अभी पर टनेज मैंने निकाला हुआ है। अभी माल तोड़ना चालू है, माल मार्केट में जाना चालू है, तो 17-18 टन मुझे माल हो रहा है। शुरुआत के में मुझे 45-50-55 तक रेट मिला। अभी जो गावरानी अमरुद आने की वजह से रेट थोड़ा कम हो चुका है, 25-20 रुपये और 35 रुपये ऐसा रेट चल रहा है। एक दो दिन में कम ज़्यादा चलता है।
तो हिसाब से मुझे यहाँ पे 6 से 7 लाख का प्रॉफिट हो रहा है और वो भी एक ही साल में चालू हो रहा है। अब अगले साल से मेरा संतरा चालू हो जाएगा, संतरे में मुझे कम से कम एक पेड़ पे 1 कैरेट माल टूटेगा तो 900 कैरेट माल वो भी टूट जाएगा, तो वो वैसे भी वो भी 10-12 टन माल वो भी होगा, उसका भी सरासरी अपन ने रेट निकाले तो 20-25 हज़ार के हिसाब से, तो उसमें भी मुझे 3-4 लाख रुपए की उसमें भी फसल हो जाएंगी। तो इन एन एवरेज बागवानी फसल में अपने को पैसा अच्छा है और बेस्ट है। इनकी ये जो क्रॉप इन्होंने लगाई हुई है, अब जान लेते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में, इसका पूरा खेती का मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, इसके लिए कौन से उनको स्प्रे करना पड़ता है, इसको क्या उर्वरक देना पड़ता है, जान लेते हैं इन सभी के बारे में। जैसे कि अभी मैंने ये जो पेड़ है इसको लगाने के लिए मैंने पहले खेत में जुताई किया हुआ था, तो पहला वर्ष तो मैंने इसमें नागट्टी वगैरह कल्टीवेटर करके पूरा खेत तैयार करने के बाद में छोटे छोटे बेड बनाए हुए थे, उस बेड पे मैंने पहले संतरे के पेड़ लगाए थे। संतरे के पेड़ मेरे 1 साल के होने के बाद में मैंने अमरूद के पेड़ लगाए, तो अमरूद के पेड़ मेरे जमीन लेवल पे ही थे, तो उसको मैंने लगाने के बाद 2 या 3 महीने होने के बाद जैसे वो दो तीन महीने के हुए तो उसको मैंने ऊपर का थोड़ा कटिंग किया और ट्रैक्टर की वजह सहायता लेके इसको थोड़ा छोटे छोटे बेड लगा दिए। बेड लगाने की वजह से इसमें हुआ क्या कि इसको थोड़ा पानी का इसको प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, तो पानी न थोड़ा कम मिले तो उस वजह से पेड़ थोड़ा अच्छा डेवलप हो चुका है, और इसको साल भर में 1-2 महीने में या 2 महीने में एक अपना फंगिसाइड और पेस्टिसाइड का एक अपने को स्प्रे लेना पड़ता है कि इस पर थोड़ा मिलीबग का और बाकी निमेटोड का थोड़ा असर रहता है, तो फंगिसाइड और इसकी वजह से वो फिर कवर हो सकता है। बाकी इसमें अपन फर्टिलाइज़र वगैरह दे सकते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी 1-2 बार साल में 1 या 2 बार दे सकते हैं, क्योंकि वो देने से बाकी जो डिफिशियंसी रहती है वो कवर हो जाएंगी। लेकिन अपना जो खाद है 10-26-26 या DAP ये साल में 2 बार देना चाहिए, उस वजह से उसमें थोड़ा ग्रोथ बनी रहती है और जो फसल लगती है उसका साइज़ बराबर मेंटेन रहता है, ना कि कोई छोटा हो रहा है और कोई बड़ा हो रहा है। वो मेंटेन रहने की वजह से मेंटेन के लिए उसको एक तो अपने को फोमनेट भी लगाना ज़रूरी है, लेकिन अपने को न्यूट्रिशन देना और उसकी थोड़ी देखभाल करना वो बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इन्होंने जो अपना प्रोफेशनल चुना है खेती करना, क्या सही में ये फायदेमंद है या फिर ये घाटे का सौदा है, तो जानते हैं उन्हीं के द्वारा। और अगर आपको भी अगर खेती में कुछ करना है तो ये मोटिवेशन आपको लाभदायक हो सकता है। चलिए सुनते हैं इसके बारे में उनका क्या कहना है। ये जो खेती है मेरी 5 एकड़ मेरी खेती है बहुत दिनों से है, लेकिन मैं पहले जॉब करता था, मेरा डिप्लोमा होने के बाद में इंजीनियरिंग में मैंने जॉब किया हुआ है, तो मुझे 25-30 हज़ार रुपये मैं पर मंथ मिलता था, लेकिन उसमें मेरा खर्चा नहीं निकल पा रहा था, तो इसलिए मैंने फिर खेती स्टार्ट किया। खेती में अभी जैसे मेरा अमरूद और संतरा जैसे ही चालू हो जाएगा, शुरुआत के 1 या 2 साल थोड़ा स्ट्रगल रहता है, लेकिन अमरूद जो है वो एक ही साल में स्टार्ट होने की वजह से अपने को थोड़ा कम ज़्यादा 25 हज़ार के ऊपर तो पर मंथ तो गिर ही जाता है, लेकिन जैसे ही संतरा और अमरूद अभी फुल फ्लेज में आ जाएंगे और फुल फ्लो में चलेंगे तो कम से कम मुझे 1-1.5 लाख रुपये पर मंथ यहाँ से इनकम हो जाएगा। अभी मेरा सभी जो अपने नवयुवक है जैसे पढ़े लिखे हैं उनको थोड़ा और स्टार्ट करके कुछ ना कुछ नया प्रयोग करके अपने खेती करना चाहिए। खेती से क्या है कि एक तो अपनी जो कृषि प्रधान देश है उसमें भी वैसे भी खेती को ज़्यादा डिमांड आएंगी आगे चल के, और खेती से अपना घर का भी चलेगा और अपनी खुद की ज़मीन है तो फिर अपन खेती कर सकते हैं। अपन जैसे ही जॉब करते हैं, जॉब अपन दूसरे के यहाँ जाके करेंगे तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, लेकिन खेती में ऐसा है कि अपन 24 घंटे भी काम किए तो अपने को ही प्रॉफिट है, तो इस वजह से अपन जो बाहर मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत अपन ने अपनी खेती में किया तो अपन खुद के मालिक खुद है और अपन मालक बनने का प्रयास करें। इनके इस हौसले के लिए हमारे पास कुछ चंद लाइनें हैं। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और हाँ, अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।